हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रमोद रंजन। इस वीडियो लेक्चर में मैं 67th बीपीएससी मेन मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर के सेक्शन 2 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन 69th बीपीएससी मेन मैथमेटिक्स ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए, वैसे स्टूडेंट्स जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए, और वैसे एस्पिरेंट्स जो बीपीएससी ऑडिटर मेन मैथ ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन दोनों के लिए समान रूप से यूजफुल रहेगा। साथ ही साथ यह क्वेश्चन यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बीएससी ऑनर्स फॉर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए भी उतना ही लाभप्रद होगा। तो अब देखें यह क्वेश्चन 67th बीपीएससी मेन मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर के सेक्शन 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4b क्वेश्चन कहता है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड, वेयर पी इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स एंड क्यू इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई। आप देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन जो प्रिंटेड फॉर्म में जो आप देखेंगे कहीं, तो उसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। P इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स लिखा है, जबकि होना चाहिए P इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, मैं यहाँ करेक्ट करके लिखा हूँ, और Q इक्वल टू डेल बाई डेल वाई ही इसमें प्रिंट है क्वेश्चन में, लेकिन होना चाहिए Q इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई। तो इसका सोल्यूशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहले आप यह जान लें कि यह क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेक्शन से लिया गया है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना है चारपिट्स नन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो चारपिट्स नन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए, बेस्ट यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज के बीएससी ऑनर्स में यह प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं और कंपटीशन में भी। तो चारपिट मेथड से कैसे हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यही मैं आपको सिखा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आपको लिखना है, तो लिखा जाए गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू क्यू जेड, यही आपका दिया हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। कंप्लीट इंटीग्रल मींस कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज, इसको मैं से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई, क्यू जेड को इस तरफ ले आइए तो माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्चुअली एक्स वाई जेड पी क्यू में एक रिलेशन है, या कहिए कि एक्स वाई जेड पी क्यू में एक फंक्शन है। इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है उसको लिखते हैं जनरल नोटेशन में, एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। क्लियर है कि लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो एक्स वाई जेड पी क्यू में एक फंक्शन है, इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। और दिस इज इक्वल टू दिस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका नाम दे दें आप इक्वेशन 1। तो दिए हुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए एफ एक्स निकालते हैं, fx means partial derivative of f with respect to x। ये जो notation है fx, ये बताता है partial derivative of f with respect to x। तो इस f का partial derivative s के respect में हम लोग निकालें, तो जब s के respect में करेंगे तो y z p q अदर जो variables है उसको constant assume करते हैं, आप जानते हैं, तो आप s के सापेक्ष इसको partially differentiate करें, तो इसमें p q y z ये सभी constant है, और किसी भी कांस्टेंट का आप जानते हैं जीरो, इसलिए इसका
रिजल्ट जीरो हो गया। फिर निकालिए एफ वाई, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी क्यू कॉन्स्टेंट है, इसलिए डिफरेंशिएशन में कॉन्स्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को रख लें, और वाई को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन होगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्यू भी कॉन्स्टेंट जेड भी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का जीरो क्लियर है, तो हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर निकालेंगे एफ जेड, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, तो जेड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाई भी कॉन्स्टेंट पी क्यू कॉन्स्टेंट, इसलिए इस कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो गया, और जेड के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं तो क्यू कॉन्स्टेंट है, और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में वन, तो केवल होगा माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू। फिर निकालेंगे एफ पी, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में, तो पी के रेस्पेक्ट में तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, इसलिए वाई कॉन्स्टेंट को आप रख लीजिए, डिफरेंशिएशन में कॉन्स्टेंट को रख लिया जाता है, और पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी स्क्वायर का पी के रेस्पेक्ट में टू पी, और क्यू कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा तो क्यू स्क्वायर का जीरो, कॉन्स्टेंट का जीरो। दिस इज इक्वल टू टू वाई पी, ये हो गया। हाँ, तो देखिए एफ पी निकल गया, अब निकालिए एफ क्यू, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव क्यू के रेस्पेक्ट में, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव क्यू के रेस्पेक्ट में, तो वाई कॉन्स्टेंट है तो वाई को रख लीजिए, और क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी कॉन्स्टेंट, तो पी स्क्वायर का जीरो, क्यू स्क्वायर का क्यू के रेस्पेक्ट में टू क्यू, माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तब तो क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, और जेड कॉन्स्टेंट है तो माइनस वन इंटू जेड, तो माइनस जेड। दिस इज इक्वल टू टू वाई क्यू माइनस जेड। इसके बाद देखिए आपको लिखना है चारपिट्स एक्जिलरी इक्वेशन, चारपिट्स एक्जुलियरी इक्वेशंस आर, चारपिट का एक्जुलियरी इक्वेशन आपको याद रखना चाहिए। देखिए वो क्या होता है, डीपी बाई एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड, डीपी बाई एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू बाई एफ वाई प्लस क्यू इंटू एफ जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई माइनस पी इंटू एफ पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू इज इक्वल टू डी एक्स बाई माइनस एफ पी इज इक्वल टू dy by माइनस एफ क्यू। ये आपका है चारपिट्स एक्जुलरी इक्वेशंस। इसका लिखने का टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आप भूल सकते हैं। ऊपर में dp लिखेंगे, नीचे में f का पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो f है ना इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में fx प्लस ये dp है तो p इंटू एफ जेड इज इक्वल टू फिर dq, नीचे में f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में प्लस dq है तो q इंटू एफ जेड, ये दोनों एफ जेड सेम रहता है, सब ध्यान देके लिखना है, इज इक्वल टू dz बाई इसमें माइनस p इंटू एफ पी या माइनस q इंटू एफ क्यू, और dx बाई माइनस एफ पी और dy बाई माइनस एफ क्यू। इस ढंग से आप एडजस्ट करके लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, ऊपर में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं उसका वैल्यू खाली रख देना है, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, dp बाई देखिए fx क्या है, जीरो है, पी इंटू एफ जेड है माइनस क्यू, सब वैल्यू को रख दीजिए, डी क्यू बाई एफ वाई देखिए एफ वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एफ जेड है माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू डी जेड बाई माइनस पी इंटू एफ पी, देखिए एफ पी आया है टू वाई पी, टू वाई पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू, एफ क्यू आया है टू वाई क्यू, टू वाई क्यू माइनस जेड,
इज इक्वल टू डी एक्स बाई माइनस एफ पी टू बाई पी, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस एफ क्यू ब्रैकेट में टू वाई क्यू माइनस जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इंप्लाइज डी पी बाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी जेड बाई माइनस टू वाई पी स्क्वायर माइनस टू वाई क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू जेड इज इक्वल टू डी एक्स बाई माइनस टू वाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस टू वाई क्यू माइनस माइनस प्लस जेड। ठीक है, दिस इंप्लाइज इसको फाइनल कीजिए, डी पी बाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी जेड बाई माइनस टू वाई पी स्क्वायर माइनस टू वाई क्यू स्क्वायर प्लस क्यू जेड इज इक्वल टू डी एक्स बाई माइनस टू वाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस टू वाई क्यू प्लस जेड। ठीक है, ये फाइनल हो गया, यही आपका है चार फीट का एक्जिलरी इक्वेशंस। अब इस एक्जिलरी इक्वेशंस में आप फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को लें, टेकिंग द फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस वी गेट तो ये फर्स्ट टू फ्रैक्शंस में आप क्या देख रहे हैं, यहां पी स्क्वायर है तो पी से स्क्वायर कैंसिल होकर यहां केवल पी बचेगा, तो आप लिख दीजिए शॉर्ट में डी पी बाई माइनस क्यू इज इक्वल टू मिलेगा डी क्यू बाई पी। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो पी डी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू, दिस इज इक्वल टू पी डी पी इधर ले आइए तो प्लस क्यू डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन करने के पहले आप टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू पी डी पी प्लस टू क्यू डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आप इंटीग्रेट करें, अब इस इक्वेशन को दोनों ओर इंटीग्रेट करें, लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग वी गेट, टू तो कांस्टेंट है और पी का इंटीग्रल पी के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं पी स्क्वायर बाई टू, टू कांस्टेंट है और क्यू का इंटीग्रल क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू स्क्वायर बाई टू, और जीरो का इंटीग्रल आप जानते हैं कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है इसलिए जीरो का इंटीग्रल कोई कांस्टेंट, तो कोई कांस्टेंट की जगह यहां ए स्क्वायर लेते हैं, वेयर ए स्क्वायर इज एनी कांस्टेंट। देखिए अब टू टू कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं यहां टू से पहले मल्टीप्लाई कर दिया था, तो देखिए टू टू कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए कोई कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो किसी कांस्टेंट की जगह यहां याद रखेंगे ए नहीं लिखकर ए स्क्वायर ही लेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर के फॉर्म में, यहां लिख दीजिए वेयर ए इज ए कांस्टेंट। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर। अब इक्वेशन वन में आप देख रहे हैं कि यहां पर मौजूद है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर,
तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का जो वैल्यू आया है ए स्क्वायर, यहाँ इक्वेशन वन में रख दें। तो इस इक्वेशन का हम लोग नाम दे दें थीटा टू, ये इक्वेशन वन था इसका नाम दे दिया इक्वेशन टू। तो टू का यूज करें किसमें, गिवन इक्वेशन वन में, मैं लिख देता हूं यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन वी गेट, हम इस इक्वेशन टू का यूज इक्वेशन वन में कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दीजिए इंटू वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, इधर चला गया तो क्यू जेड, दिस इंप्लाइज, इसे आप क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बाई जेड। देखिए हमने क्यू को निकाल लिया, यही टेक्निक है। अब आप माइंड में रखेंगे पी को हासिल करने के लिए, तो क्यू के इस वैल्यू को यहां रख दिया जाए क्यू की जगह, तो इक्वेशन टू से पी निकल जाएगा, हेंस बाय टू, इसलिए इक्वेशन टू से पी स्क्वायर, पी को हम निकालना चाह रहे हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देखिए पी निकल जाएगा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू यहां से दे दीजिए तो क्यू का स्क्वायर है तो जाएगा ए फोर वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, क्यू के वैल्यू को यहां पर बैठा दिया। दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, रूट अंडर आप ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहां लिख देंगे जेड स्क्वायर माइनस इसमें ए स्क्वायर बच जाएगा इंटू वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट तो ए बाई जेड इस पर रूट रह जाएगा, रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए पी निकला, किसका वैल्यू हो गया पी का, लिख दीजिए इसीलिए हेंस पी इज इक्वल टू दिस, तो देखिए पी का मान निकल गया तो पी और क्यू का वैल्यू हम लोग हासिल कर लिया। देखिए चारपिट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग होता ही है, इसे आप घबराएं नहीं, लेकिन इसका प्रोसेस एकदम क्लियर वे में आपको बता रहे हैं। इसी प्रोसेस से चारपिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड अदर प्रॉब्लम्स को भी आप आसानी से बना सकते हैं, प्रोसेस असल सीखना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि पी और क्यू का मान निकालेंगे, वी गेट पी इक्वल टू ए बाई जेड इंटू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अभी मैं निकाला, एंड क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर वाई बाई जेड। इसके बाद देखेंगे हेंस डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यह रिजल्ट क्यों लिखते हैं, चारपिट मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं हर क्वेश्चन में, तो आपको जानना चाहिए कि रिजल्ट हम क्यों लिखते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि जेड फंक्शन होता है टू वेरिएबल्स एक्स और वाई का, ये तुम्हारा कंसेप्ट है, जेड इज टेकन एज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। हेंस डिफरेंशियल कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं टोटल डिफरेंशियल, तो जेड का टोटल डिफरेंशियल दैट इज डी जेड कैसे लिखा जाता है, इसका तरीका है जेड का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू एक्स का टोटल डिफरेंशियल डी एक्स प्लस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल वाई इंटू सेकेंड वेरिएबल वाई का टोटल डिफरेंशियल दैट इज डी वाई। दिस इंप्लाइज डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स स्मॉल पी इंटू डी एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई स्मॉल क्यू इंटू डी वाई, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, नोटेशन पी डेल जेड बाई डेल एक्स को बताता है और नोटेशन क्यू डेल जेड बाई डेल वाई को बताता है। तो देखिए ये रिजल्ट कैसे आता है, मैं आपके यहां साइड में बता दिया, तो इसी रिजल्ट को मैं यहां लिखा। दिस इंप्लाइज डी जेड इज इक्वल टू p
पी का वैल्यू यहां से बैठा दीजिए, ए बाई जेड इंटू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस क्यू, क्यू का वैल्यू ए स्क्वायर वाई बाई जेड इंटू डी वाई। तो पी को का वैल्यू हम बैठा दिया, तो देखिए हमने डिजिट को निकाल दिया। अब जेड से दोनों और मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया जेड इंटू डी जेड इक्वल टू, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जेड वी गेट दिस रिजल्ट। अब इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो हो गया जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके बाद देखिए, दिस इंप्लाइज जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई। अब ये जो टर्म है इसको इधर ले आइए नीचे, कॉन्स्टेंट को राइट साइड में छोड़ दीजिए, केवल रूट वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ले आइए नीचे, तो हो जाएगा बाई रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और राइट साइड में ए इंटू डी एक्स रह गया, ए इंटू डी एक्स। अब इस इक्वेशन को दोनों ओर इंटेग्रेट करें। देखिए लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है इसका इंटीग्रल निकालने के लिए मैं साइड में आपको बताता हूं, इजी प्रोसेस नहीं तो लेंथी हो जाएगा। देखिए सर प्रोसेस में बता रहा हूं, एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट है एफ डैश एक्स बाई रूट अंडर एफ एक्स डी एक्स होता है टू रूट एफ एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंटीग्रेशन का, कहता है कि नीचे में रूट के अंदर में एस का कोई फंक्शन एफ एक्स हो और ऊपर में क्या हो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और आप एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स कह सकते हैं एफ एक्स का डिफरेंशियल, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं, पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखते हैं और उसमें डी एक्स आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो हियर एफ डैश एक्स डी एक्स क्या है, तो एफ एक्स का डिफरेंशियल है। तो आप याद इसको यहां ऐसे कीजिए कि रूट के अंदर में इसका कोई फंक्शन एफ एक्स हो और ऊपर क्या हो तो एफ एक्स का डिफरेंशियल हो एफ डैश एक्स डी एक्स, तब इसका इंटीग्रल होगा टू इंटू रूट एफ एक्स। इसी फॉर्मूले का हम यहां यूज करेंगे तो आसानी से इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए रूट के अंदर में ये जो देख रहे हैं इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखने की कोशिश करें, तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, तो टू जेड डी जेड, इसको बैलेंस कीजिए क्या होगा टू जेड डी जेड, हो गया जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल। पहले जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल को ऑप्शन टू जेड लिखा और डी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ टू जेड डी जेड, ये कंसेप्ट है। माइनस ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल लिखना है तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टू वाई लिखिए आई इंटू डी वाई। तो रूट के अंदर में जो देख रहे हैं इसका डिफरेंशियल एक्चुअली ये होना चाहिए, तो उसी डिफरेंशियल को मैंने लिख दिया, और नीचे रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी एक्स। देखिए इसमें तो टू नहीं है, आपने टू से यहां दोनों और मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए बैलेंस करने के लिए टू से डिवाइड कर देंगे, तब ना टू निकलेगा, टू कट के दस का दस ही रहेगा, सो दिस इक्वेशन इंप्लाइज दिस। अब इंटीग्रेशन की क्रिया कीजिए, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट किया जाए, लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग वी गेट, दोनों और इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कांस्टेंट हाफ बार रहेगा, और मैंने अभी ऊपर बताया कि रूट के अंदर में यदि कुछ हो और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर हो तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, रूट अंदर जो है उसमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होल थिंग का इंटीग्रल क्या होगा टू इंटू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए इंटू और डी एस का इंटीग्रल एक्स, इंटीग्रेशन के बाद कोई कांस्टेंट बी यहां जोड़ दिया, लिख दीजिए वेयर बी इज ए कांस्टेंट
टू टू कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर कर दें दोनों ओर, स्क्वायरिंग तो रूट खत्म, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल है, लिख दीजिए विच इज द रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया, कंप्लीट इंटीग्रल कहिए चाहे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपने क्या देखा कि चार्टपीट के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का इजियर प्रोसेस आपको मैंने बताया, आप समझ गए होंगे। और आप हमेशा याद रखेंगे कि बीएससी ऑनर्स का एग्जाम हो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी का, या यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, इस सारे एग्जाम में चार्टपीट्स नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो इस सॉल्यूशन को जो आपने देखा ठीक इसी के जैसा आप बुक से चार्टपीट के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ट प्रॉब्लम्स को इजियर वे में बना सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसी तरह सिलेक्टेड कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर में जो बीपीएससी में पूछा गया है उसको मैं बताऊंगा, ताकि द्वितीय प्रशासनिक पदाधिकारी और बीपीएससी ऑडिटर मैथ ऑप्शनल दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्वेश्चन को आज आपको बताया था और आगे भी बताऊंगा। तो ठीक है, मैं फिर आपसे मिलूंगा।